हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुशांत और आप देख रहे हैं सीएनसी टेक्निक चैनल। तो आज की इस वीडियो में लॉक सिलेंडर की वे जो होल होते हैं, जनरली लॉक सिलेंडर जहाँ पे फिट किया जाता है उस पे एक कवर पे ऐसे इस टाइप की वे मिलिंग करते हैं। तो बीएमसी पे आज इसका प्रोग्राम डिस्कस करेंगे और इसकी पूरी टोटल कोऑर्डिनेट निकाल के प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो आज के इस वीडियो में ये इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बोर्ड पे, तो सबसे पहले आप देखिए ये कीवे है जिसका ये डाया 18 mm है। इस होल के सेंटर से यहाँ तक की सेंटर 19 mm है और इसकी थिकनेस आपको 10.5 मेंटेन करनी होगी। तो इसमें हमें पहले तो इसकी मिलिंग प्रोग्राम करने के लिए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसके सारे कोऑर्डिनेट्स पहले कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो ये फिगर थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लिया है, तो इस पे समझते हैं। मान लो इस प्रोफाइल को मिलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे इसकी जो बड़े डाया का जो 18 mm डाया का सर्कल है उसकी सेंटर पे मैंने ओरिजिन सेट कर दिया और ये जो रेडियस है इसकी सेंटर पे, इसकी सेंटर से और इसकी सेंटर की डिस्टेंस जैसे ऊपर फिगर में दिख रहा है 19 mm है। और ये डाया अपना 18 mm है और ये 5.25 हो जाएगा। ये विड्थ आपका 10.5 है इसलिए ये रेडियस 5.25 हो गया, R 5.25। अब हम यहाँ पे ओरिजिन सेट करते हैं। अगर ये 0.0 यहाँ सेट कर दिया तो इसको एक पाथ में ही प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट का, ये दोनों पॉइंट का मान लो ये P1 है और ये P2 है, इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। हमने ओरिजिन यहाँ सेट किया हुआ है। तो अब जैसे ये डाया 18 mm है तो मैं इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट तक, P1 तक। ये हमें पता है ये R हो गया, डाया 18 है तो R ये 9 mm हो गया। और जैसे ये पता है विड्थ 10.5 है तो ये सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस हमारा, इस पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस 5.25 हो जाएगी। हमें डिस्टेंस हमें हमें निकालना है। तो इसमें देखिए ये ट्रायंगल बन गया, इस पे 3 4 5 करना पड़ेगा। 3 4 5 आप समझते हैं, जब कोई ऐसे ट्रायंगल है अगर ये 3 हुआ और ये 4 हुआ तो ये 5 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ये ट्रायंगल को मैंने जस्ट ऐसे पलट दिया है। तो अब इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। ये हमें 9 मिल गया है, ये 5.25 है और ये चाहिए। तो ये मान लो ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए
सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर होगा, ये तो जानते ही हैं। अब ए सी स्क्वायर में ये 9 स्क्वायर, ए बी हो गया हमारा 5.25 स्क्वायर, प्लस बी सी हमें चाहिए बी सी स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 9 स्क्वायर का 81, इसका रिजल्ट आएगा 27.562 प्लस बी सी स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 माइनस 27.562। इधर बी सी स्क्वायर है, बी सी करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस 27.562 आया, स्क्वायर रूट ऑफ 53.437। तो बी सी आ जाएगा अपना 7.31, बी सी 7.31। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 7.31। तो अगर यहाँ पे ओरिजिन रहेगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अपना 7.31, और ऐसे में हमें इसका डिस्टेंस 5.25 ऑलरेडी है, तो इधर भी वैसे ही माइनस 5.25 हो जाएगा यहाँ से ओरिजिन करेंगे तो वाई में, बाकी एक्स डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। तो चलिए इसका प्रोग्राम क्रिएट करते हैं बीएमसी फैनुक में। ओ 0001 प्रोग्राम नंबर हो गया, जी 94, जी 21, जी 90 भी लिख लेते हैं, जी 91, जी 28, जेड 0 और जी 49, जी 40 भी कर देते हैं, जी 80, सारे कंपेंसेशन और कैंट साइकिल कैंसिल हो गए, T1, M6, एक एंडमिल ले लेते हैं, एंडमिल 8 का ले लेते हैं, G00, G90, G54 ले लेते हैं, ओरिजिन यहाँ पे है तो वहीं पे आ जाते हैं, X0, Y0, M03 और S3000 कर देते हैं, G43, Z20, H1, फिर एक सेफ पोजीशन तक उसको डाउन कर देते हैं, G00, Z2। अब इसको 5 mm डेप्थ का प्रोग्राम बनाते हैं, 5 mm की डेप्थ की, तो पहले 1 mm का डेप्थ, 1 1 mm करके 5 बार में इसको करेंगे। तो इसके लिए मैं माइक्रो वेरिएबल्स यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हैश 501 इक्वल टू 1 कर दिया, एक सीक्वेंस नंबर दिया N10 G01 Z माइनस हैश 501 लिख दिया, तो Z माइनस यहाँ पे
501 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जेड माइनस 1 होगा। फीड 50 कर देते हैं, ये एक ही टूल से बना रहा हूं इसको। इसका इजी प्रोसेस होगा, पहले एक यहाँ पे ड्रिल मार लेते हैं। जी, ड्रिल की प्रोग्राम में अभी बना नहीं रहा, डायरेक्ट इसका प्रोफाइल मिलिंग की प्रोग्राम देख लेते हैं। फीड 50 हो गया, इसके बाद G01, G42 कंपेंसेशन, राइट हैंड कंपेंसेशन या अप मिलिंग, D1 एक नंबर टूल है, X0 Y9 करते हैं। यहाँ से यहाँ चलते हैं, Y9 फिर 200 कर देते हैं, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे आएंगे, G02। अब देखिए X हमने यहाँ पे 7.31 आया था हमारा, ये डिस्टेंस इस सेंटर से इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो X 7.31, Y 5.25 आएगा, सेंटर से इस विड्थ की हाफ, Y 5.25। तो यहां से स्टार्ट होके यहां आ गया और R हम देंगे 9, क्योंकि ये रेडियस 9 है। फिर G01 X, अब इस पॉइंट पे जाना है, तो G01 X यहां से इसकी सेंटर 19 mm है, X 19, Y हमारा 5.25 होगा। फिर G02 होगा, यहां से यहां तक आएंगे, X 19 रहेगा, Y माइनस 5.25, R कितना होगा, ये 10.5 है तो R 5.25 होगा। फिर G01 अभी यहां से यहां तक आएंगे, X हमारा 7.31 है, क्योंकि यहां से इसकी डिस्टेंस कैसे है 7.31 है, और Y माइनस 5.25। फिर यहां से यहां आएंगे, हमेशा ये सर्कल ऐसे ही लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, यहां आएंगे, फिर ये हाफ रेडियस, ये क्वार्टर रेडियस हो गया, ये हाफ रेडियस हो गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते हैं, G02 X 0 करेंगे, Y माइनस 9 करेंगे, R 9, यहां आगे यहां से इस पॉइंट पे, यहां से स्टार्ट हुआ था तो उसी पे एंड करेंगे। फिर G02 X 0 Y 9 R 9, अब यहां आगे यहां से फिर ये सेंटर पे आएंगे, कंपेंसेशन कैंसिल करके G00 G40 X0 Y0, ठीक है। तो अब आप ये मैक्रो वेरिएबल्स का वैल्यू जो 1 दिया था वो 1 mm करके रिपीट करना है, तो हमें यहाँ पे लिखना है एस 501 इज इक्वल टू एस 501 प्लस 1, ये
कंडीशन कैसे वर्क करता है इसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं माइक्रो वेरिएबल्स के ऊपर, उसको देख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ तक हो गया, अब इसको डिलीट करके थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट देंगे, इफ हैज, इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 501 लेस देन, डेप्थ हमें 5 mm लिखना है तो लेस देन 6 गो टू जी ओ गो टू 10। यहाँ पे एन 10 सीक्वेंस नंबर दिया था तो यहाँ पे फिर रिपीट हो जाएगा, बैक हो जाएगा गो टू 10। ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक ये है 501 5 ना हो जाए। जब ये 5 हो जाएगा तो 5 mm का डेप्थ लेगा और यहाँ से ये ब्लॉक रिपीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लेस देन 6 था तभी रिपीट हो रहा था। G00 G90 Z100 कूलेंट ऑन किए होंगे यहाँ पे तो N08 यहाँ पे ऑफ कर देंगे। फिर आगे का ब्लॉक ऐसे कुछ रहेगा G91 G28 Z0 M05 स्पिंडल स्टॉप हो गया G49 और M30। ये ब्लॉक के बाद ये ब्लॉक प्रैक्टिकली करके देखते हैं बीएमसी पे हानो कंट्रोल पे, इसको प्रैक्टिकली करके टेस्ट करते हैं। तो चलिए मशीन। तो की होल का प्रोग्राम रन करके देखते हैं। ये प्रोग्राम है रिपीटेशन के लिए, मैंने मैक्रो वेरिएबल का यूज किया हुआ है। इस प्लेट पे जस्ट प्रोग्राम चलाने के लिए मैंने यहाँ पे सेंटर ले लिया हुआ है। तो चलिए प्रोग्राम रन करके देखते हैं।